हेलो किसान भाइयों, हमारे एग्रीकल्चर वैरायटी मीडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक उत्तर प्रदेश से, और ये देखिए G9 केले की खेती है जो काफ़ी अच्छा। इस प्लॉट में जो भी केले लगे हैं ये 1 एकड़ में लगा हुआ है, कुशीनगर जिले में लगा हुआ है, और देखिए काफ़ी अच्छा ये इसका रिस्पॉन्स है। ये काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है केला। इसमें जो भी फूल निकल रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी साफ हैं। आप देख सकते हैं इस पर बीमारी नहीं है किसी पर। जैसे बनाना बीटल लगता है तो हमारे जो भी केले हैं उसके फूल पे लग जाते हैं, फिर हमारे जो भी फल हैं उस पर भी लग जाते हैं, तो हमारा नुकसान हो जाता है केला। इससे क्या है कि इसको बचाने के लिए इस पर बराबर दवा का छिड़काव हो रहा है। देखिए जितने भी ये पत्ते हैं इस पर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, देख सकते हैं पूरा साफ है। और यहाँ पे देखिए अभी ये क्या है कि लगातार 3 दिन से बारिश हो रहा है, जिसके वजह से क्या हुआ है कि इस खेत में पानी भी लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन पूरे खेत में नहीं लगा हुआ है, साइड में थोड़ा बहुत जो भी गड्ढे हैं उसी में लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो खेत है ऊंचे पे है। और यहाँ देखिए इसके जो भी आगे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें पानी नहीं लगा हुआ है, जो थोड़े बहुत गड्ढे हैं उसमें लगे हुए हैं। इसमें पानी क्योंकि ये लगातार 3 दिन से बारिश हो रहा था इसलिए आप लोगों को दिख रहा है। तो किसान भाई क्या होता है कि जो भी हम G9 केला है या केले की खेती करते हैं तो उसको ऊंचे पे ही लगाते हैं। यदि आप नीचे पे लगाते हैं अगर उसमें पानी लगता है और लगातार 2 दिन 3 दिन पानी लगा रह गया तो ये क्या होता है केला सड़ के ये जो पौधा है ये गिरना शुरू हो जाता है। देखे रहे होंगे आप यहाँ से टेम्पर थोड़ा दिख रहा होगा, ये क्या होगा कि जब पानी लगा रहेगा तो ये केला हमारा क्या है गिर जाएगा पानी में, तो ये गिरना शुरू हो जाता है। तो जितने भी हमने केला लगाया है, जितने भी पौधे लगाए हुए हैं 1 एकड़ में, अगर उसमें पूरा पानी लग गया तो पूरा केला गिर जाएगा। इसलिए हमें हमेशा जो भी केले लगाने चाहिए वो ऊंचे ज़मीन पर लगाइए, ताकि उस पर किसी प्रकार की आपको नुकसान न सहना पड़े। और यहाँ देखिए जो भी इसके फल बन रहे हैं, देखिए काफ़ी साफ़ हैं, इस पर देखिए काफ़ी साफ और सुंदर हैं। और ये देखिए जो भी पत्ते बनते हैं यहाँ से, ये अपने आप नीचे जाते हैं और हम इसे तोड़ के भी निकाल देते हैं जो निकलना रहता है, अगर नहीं निकलता है तो उसको छोड़ दीजिए। तो ऐसे किसान भाई यदि आप G9 केला लगाते हैं या तो इसको ऊंचे पे ही लगाइए, यदि नीचे पे लगाएंगे तो इसमें पानी लग जाएगा। पानी लगेगा तो देख, क्योंकि अभी फूल निकल रहा है, फूल निकलने के बाद जो ये फल बन रहा है इस केले का वजन बढ़ जाएगा। जब ये पौधे का वजन बढ़ेगा तो ये क्या होगा कि पानी लगा रहेगा तो आपका केला जो है पानी में गिर जाएगा, इसीलिए इसको हम ऊंचे पर लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए जो भी फूल है निकलना बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत ही कम ही ऐसे पौधे हैं जिनका फूल नहीं निकल रहा है, नहीं तो सारा निकल गया है, क्योंकि हम उसका भी दवा डाल रहे हैं जो फूल बहुत तेज़ी से निकाले। और यहाँ पे देखिए जो भी निकल रहा है काफ़ी साफ और अच्छे हैं, इस पर किसी प्रकार की कोई कीट नहीं लगे हैं आप देख सकते हैं। और ये बारिश की वजह से देखिए थोड़ा बहुत कहीं कहीं पानी लगा हुआ है, लेकिन बाकी जगहों पे पूरा साफ है, आप देख सकते हैं पूरा सूखा हुआ है, क्योंकि ये केला ऊंचे पे ही लगाया गया है। तो ऐसे किसान भाई यदि आप केले की खेती करते हैं तो उसे ऊंचे ज़मीन पे लगाइए, कभी नीचे ज़मीन पे नहीं लगाइए, नहीं तो आपका केला नुकसान हो जाएगा। और ये देखिए जो भी इसका ग्रो है काफ़ी अच्छा हुआ है, जो भी इसके फल फूल जो निकल रहे हैं जो बन रहे हैं सब अच्छे हैं। तो ऐसे आप केले की खेती कर सकते हैं। और किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, यदि आप जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो हमें वीडियो बना के आप सेंड कर सकते हैं, हम आपके वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है हम आपको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे किसान भाई यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।